कॉम्पिटिशन एंड वेरी शॉर्ट रन जब हम सप्लाई की बात करते हैं अबाउट एग्रीकल्चरल आउटपुट अंडर वेरी शॉर्ट रन टाइम पीरियड तो वहां पर सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट है स्पेशली आप, आप कह लें हम बात कर सकते हैं विद रेफरेंस टू नॉन स्टोरेबल एग्रीकल्चरल कमोडिटीज या जी मैं वाटरमेलन की बात कर लू मैं बनाना की बात कर लू मैं किसी भी वेजिटेबल की बात कर लू मेरी एजॉम्शन क्या है दीज एग्रीकल्चरल होगी सप्लाई टू करंट सीजन प्रोडक्शन और कि इस केस में जो भी आउट सप्लाई होनी है वो क्या है दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक और यहाँ पे जब आप इंट्रैक्शन की बात करोगे तो इंट्रैक्शन ऑफ वर्टिकल सप्लाई फंक्शन करेंगे, under pure यहां पे जो मेरे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग दिस इज डिमेंड फॉर सम एग्रीकल्चरल आउटपुट अंडर प्योर कॉम्पिटिशन अब मेरी एजमशन यहां पे क्या है कि वी आर बेसिकली डिपेक्टिंग प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट अंडर वेरी शॉर्ट रन और शॉर्ट रन में सप्लाई कर्फ क्या होगी इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक हाँ जी अगर मार्केट कंडीशन कुछ एडवर्स हो जाए वेदर फेवरेबल ना रहे तो उन सबकी वजह से क्या होगा देयर इज रेलेटिवली लेस क्वान्टिटी सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट कि यहाँ पे मैं उस सप्लाई को डिनोट करूं वेद एस वन सप्लाई कर्व और ये सप्लाई कर्व क्या है दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक तो इस केस में प्राइस क्या हो जाएगी प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट विल बीवल टू पी वन अगर मैं कुछ यूएस कर लू कि वेदर इज वेरी वेरी मच फेवरेबल फॉर दैट पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल आउटपुट तो उसकी वजह से क्या होगा सप्लाई विल सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट विल बी इक्वल टू एस टू लेकिन सप्लाई यहाँ पे भी क्या है परफेक्टली इन इलास्टेड तो इस केस में अब प्राइस क्या हो जाएगी प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट विल बी इक्वल टू पी टू सप्लाईज परफेक्टली परफेक्टली इन इलास्टिक किस पेस पर प्राइसिस डिट्रीमेंड हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ डिमेंड अब अगर इसी चीज को कि ये जो डिफरेंस आ रहा है प्राइसेस में ये ये क्यों आया है दैट इज बिकॉज ऑफ क्वांटिटी सप्लाई और ये क्वांटिटी सप्लाई में वेरिएशन क्यों आई बिकॉज ऑफ वेदर बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस और फिर इसी पैटर्न पर पे अगर मैं प्राइस वेरिएबिलिटी की बात करूं दिस प्राइस वेरिएबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द शिफ्ट्स इन द दप्लाई कर बिग चेंज इन सप्लाई तो क्या होगा देयर इज रिलेटिवली लार्जर चेंज इन प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट लेकिन अगर हम यहां पर बात करें देयर इज रिलेटिवली स्मॉल चेंज इन सप्लाई बिकॉज ऑफ सम रैंडम इवेंट्स तो तब वहां पे क्या होगी चेंज इन प्राइस इज रेलेटिवली स्मॉल अगेंस्ट गिवन डिमांड कर लेकिन हम यहां पे बात कर लें कि डिमांड इज रेलेटिवली इन इलास्टिक क्या जी डिमांड कर बिकम्स मोर स्टीपर तो उस केस में क्या होगा कि इवन फॉर स्मॉल चेंज इन सप्लाई आपके पास जो चेंज इन प्राइसेस होगी देर इज लार्ज वेरिएशन इन प्राइसेस अब अगर मैं यहां पे एक चले जी अब इसी कॉन्सेप्ट को हम इलेबोरेट करते हैं विद रेफरेंस टू सम स्टोरेबल कमोडिटीज स्टोरेबल कमोडिटीज मेरे पास क्या है सपोज वीट पल्सिस एग्रीकल्चरल आउटपुट दैट कैन बी स्टोर फॉर सर्टन टाइम पीरियड अब इस एग्रीकल्चर आउटपुट की सप्लाई किस चीज की इक्वल होगी सप्लाई इज इक्वल टू सी पी प्लस बी आई माइनस ई आई अब ये जो मेरे पास सीपी है इट इज बेसिकली करंट प्रोडक्शन ऑफ स्टोरेबल कमोडिटी वट इज बींग प्रोड्यूस्ड इन दंट टाइम पीरियड और बी आई मेरे पास डिनोट कर रहे इनवेंट्री ऑफ दैट स्टोरेबल कमोडिटी एट एट दैट पर्टिकुलर ईयर इन विच क्रॉप इज बिंग प्रोड्यूस्ड और ई आई मेरे पास क्या है दिस इज द एंडिंग दी दैट वी वॉन्ट टू होल्ड एट द एंड ऑफ सीजन कि इस केस में जो आपके पास सप्लाई होगी इट इज इक्वल टू करंट प्रोडक्शन प्लस इन्वेंट्री ऑफ एग्रीकल स्टोरेबल कमोडिटी एट द स्टार्ट एंड माइनस इन्वेंट्री ऑफ स्टोरेबल कमोडिटी एट द एंड। एक और चीज़ जो आपकी सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकती है कि सप्लाई इज आल्सो इन्फ्लुएंस बाय द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स यही जो मेरे पास सप्लाई ऑफ स्टोरेबल कमोडिटी है ये कि किस चीज के इक्वल हो जाएगी कि सप्लाई ऑफ स्टोरेबल कमोडिटी इज इक्वल टू करंट प्रोडक्शन प्लस बिगनिंग इन्वेंट्री एट द बिगनिंग माइनस इन्वेंट्री एट द्लस हाँ जी जितनी क्वांटिटी हमने इम्पोर्ट की वो भी क्या होगी नो इट इज द पार्ट ऑफ सप्लाई एंड एट द सेम टाइम वट इज बींग एक्सपोर्टेड वो उसको हम क्या करेंगे वी विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दार्केट सप्लाई इन फ्रॉम द मार्केट सप्लाई अब ये जो आप हम बात करें करंट प्रोडक्शन की इन्वेंट्री एट द बिगनिंग कर लिया लेकिन जो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री है मार्केट या जगह प्राइसिस करंट वियर में कुछ आई हाँ होंगी तो आप क्या करोगे वी विल होल्ड रिलेटिवली स्मॉल क्वॉटिटी एट दी एंड वी विल होल्ड स्मॉल इन्वेंट्रीज एट एंड लेकिन अगर प्राइसेज कुछ लो हों और हमारी एक्सपेक्टेशन हो कि फ्यूचर में प्राइसिस कुछ ज्यादा हो जाएंगी तो हम ये जो इन्वेंट्री एंडिंग इन्वेंट्री इसकी क्वांटिटी कुछ इंक्रीज कर देंगे इन नटश जो भी आपकी सप्लाई है दैट सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट इन वेरी शॉर्ट रन इज कंप्लीटली इन इलास्टिक जो सप्लाई होगी वो सप्लाई उस पर्टिकुलर सीजन में आप कहले कॉन्स्टेंट रहेगी जब आप हम डिस्कशन करेंगे अंडर वेरी शॉर्ट रन और वहां पे आपकी प्राइस किस बेस पे होगी कि जी जिस पॉइंट पे वो आपकी इन इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट वो वो जो इंटरसेक्शन है दैट विल मार्केट प्राइस दैट विल प्रिवेल इन मार्केट